हेलो दोस्तों, मैं जूली आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी सा स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और ये है हमारे स्टफ्ड ब्रेड पकौड़े की रेसिपी, जिसे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में आप बेल को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं, ये वाइट ब्रेड है। आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल ना करें, इसमें वाइट ब्रेड का ही इस्तेमाल होता है, ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। 4 से 5 मीडियम साइज़ का बॉयल्ड आलू लिया है, जिसके छिलके मैंने पहले से निकाल के रखा है। 2 मीडियम साइज़ का चॉप्ड किया हुआ प्याज ले लूँगी, इसे बारीक चॉप्ड कर लीजिए आप। 1/2 छोटी चम्मच खड़े जीरे लूँगी, और 1/2 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड्स लूँगी यानी राई। कुछ करी लीव्स लूँगी, मैंने ड्राई लिया, आप फ्रेश ले सकते हैं। 1/2 बड़ी चम्मच लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट ले लूँगी, हरी मिर्च का। 1 कप बेसन लेना है हमें बैटर तैयार करने के लिए। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ले लेना है, और नमक लेना है हमें स्वाद के अनुसार। तो चलिए सबसे पहले हम आलू की स्टफिंग को तैयार करेंगे। उसके लिए हमने पैन चढ़ा लिया है गैस ऑन करके, और उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल लूँगी और अच्छी तरह से गर्म होने दूँगी। गर्म हो जाने के बाद आँच को आप कम कर लीजिए, और उसमें राई और जीरे का छौंक लगा लेंगे। देखिए ये चटक गए हैं, तो इसमें हम करी लीव्स भी डाल लेंगे, और इन दोनों को सॉटे कर लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। साथ में ही हम प्याज को भी डाल लेंगे, और उसके बाद हम आँच को मीडियम में करके इस सब चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। तो आँच को मीडियम में कर लीजिए, और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते रहिए। तो देखिए ये काफ़ी फ्राई हो गए हैं धीरे धीरे, 5 से 6 मिनट में। और उसके बाद हम आँच को कम करके रखेंगे, और इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल लेंगे। साथ में हल्दी पाउडर भी डाल लीजिए, धनिया पाउडर भी डाल लीजिए, लाल मिर्च का पाउडर डालिए, और काली मिर्च का पाउडर भी हम डाल लेंगे। तो सारी चीज़ों को डाल के थोड़ा सा पानी मिलाइए, और सारे मसालों को आप फ्राई कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, आँच को मीडियम में रखकर, जब तक कि अच्छी तरह से फ्राई ना हो जाए। तो देखिए फ्राई हो चुके हैं काफ़ी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आलू को मैस्ट करेंगे और बड़े बड़े टुकड़ों में ही रहने देंगे, और अच्छी तरह से इसमें डाल लेंगे सारे आलू को। देखिए डाल लिया है, और इसके बाद इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पे करके, ताकि थोड़ा आलू भी फ्राई हो जाए। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आप मिला लीजिए। देखिए ये मिल चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है, कुछ फ्रेश धनिया ऐड कर लेना है, ताकि इसका स्वाद और भी बेहतर हो जाए और भी अच्छा हो जाए टेस्ट। तो डाल लीजिए, और इसे भी थोड़ा चला लीजिए। तो देखिए ये हो चुके हैं मिक्स, तो गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और इसे एक साइड करके रख लेंगे हम। तो चलते हैं बैटर बनाने के लिए। तो एक बाउल लीजिए, उसमें 1 कप बेसन डालिए, 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे, और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल लेंगे, और इन दोनों चीज़ को मिक्स करके बैटर तैयार करेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, तो नमक अभी मैंने नहीं डाला है, हम बाद में डालेंगे। तो इस तरह से हमें एक स्मूथ बैटर तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स कीजिए, नहीं तो आपका जो बैटर है वो काफ़ी पतला हो जाएगा। और कॉन्स्टेंटली इसे मिलाते रहिए, ताकि कोई भी लम्स ना रहे। उसके बाद हम नमक मिला लेंगे, और 1 पिंच हींग पाउडर मिला लेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इसे कॉन्स्टेंटली मिक्स करते रहेंगे, लगातार फेंटते रहेंगे, ताकि बेसन में कोई भी लम्स ना रहे और सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद 10 मिनट के लिए इसे ढक के रहने दीजिए। तो तब तक के लिए हम क्या करेंगे, स्टफ्ड ब्रेड को तैयार करेंगे पकौड़े तलने के लिए। तो ये रही हमारी ब्रेड, और ये रही हमारी पोटैटो की स्टफिंग। तो क्या करना है आपको, इसमें कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 स्लाइस को रख लेंगे,
और दूसरी वाली स्लाइस में ग्रीन चटनी लगाएंगे। तो आपको जितना पसंद है आप उतनी ग्रीन चटनी लगा सकते हैं। मैंने थोड़ा कम लगाया है, मुझे उतना पसंद नहीं है दोस्तों, इसलिए मैंने थोड़ा कम लगाया है। उसके बाद मैं इसमें पोटैटो की स्टफिंग को इस तरह से लगा लूँगी, स्प्रेड कर लूँगी, पूरे ब्रेड में फैला लूँगी। तो आपको जितना पसंद है उतना लगा सकते हैं और इसे अच्छी तरह से आप नाइफ से सेट कर लीजिए ताकि आप पकौड़े तलते वक्त ये बाहर ना निकले दोस्तों। तो अच्छी तरह से कर लीजिए। और दूसरी स्लाइस में हम क्या करेंगे, इस तरह से टोमेटो सॉस लगाएंगे। तो अच्छी तरह से आप जितनी मर्जी उतना लगा लीजिए और उसके बाद इस पर बिठा के सेट कर लीजिए। तो ये रही हमारी तैयार हो गई फर्स्ट वाली ब्रेड, देखिए। और दूसरा भी हमें ऐसे ही करना है दोस्तों। दूसरा हम कैसे करेंगे, ग्रीन चटनी को सबसे पहले लगाएंगे, सेम मैं आपको बता रही हूँ, आप देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद पोटैटो की स्टफिंग को हम लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह से नाइफ से सेट कर लेंगे। तो ये सारी स्टेप्स को आपको अच्छी तरह से करना है ताकि आपके पकौड़े बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँ और ये आलू बाहर भी ना आए। तो अच्छी तरह से देखिए मैंने लगा लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद टोमेटो सॉस दूसरी लेयर में लगाएंगे, जितना चाहे लगा लीजिए और इसमें सेट कर लीजिए। तो ये तैयार हो गई है हमारी दूसरी भी ब्रेड। तो तलने से पहले क्या करना है, हमें इसे कट कर लेना है। तो कट कीजिए नाइफ से, इसे डायगोनली कट कर लीजिए बीच से, देखिए इस तरह से। तो पकौड़े तलने से पहले आप इस तरह से इसे कट कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप कट करेंगे तो आपके पकौड़े अच्छी तरह से तलेंगे नहीं और ये टूट जाएंगे, इसलिए आप इस तरह से सैंडविच स्टाइल में इसे कट कर लीजिए। तो देखिए ये रेडी हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, हमारे 10 मिनट तो हो गए हैं पूरे, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, लेमन जूस ऐड कर लेंगे हाफ बड़ी चम्मच। तो हाफ बड़ी चम्मच लेमन जूस ऐड कर लीजिए और इसे एक डायरेक्शन में फेंटते रहिए। 2 से 3 मिनट में अच्छी तरह से आप इसे फेंट लीजिए ताकि इसमें एयर पॉकेट्स बन जाए और ये बहुत ही फ्लफी बन पाए हमारे पकौड़े। तो देखिए हमने फेंट के रख लिया है। उसके बाद बहुत सारा ऑयल डाल लेंगे फ्राई करने के लिए पकौड़े को। तो तेल डाल लीजिए और अच्छी तरह से इसे गर्म होने दीजिए। तो देखिए हमारी कंसिस्टेंसी ऐसी रहेगी बटर की, मैंने दिखा दिया आपको। तो ज़्यादा गाढ़ा और ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बस मीडियम में रखना है। उसके बाद ये रही हमारी स्टफ्ड ब्रेड, इसमें डाल लेंगे बटर में और इसे अच्छी तरह से कवर कर लेंगे चारों तरफ से ताकि कुछ भी बाहर ना निकल के आए और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अगर ब्रेड रह जाएंगे तो इसमें तेल चले जाएंगे, तो इस तरह से आप कवर कर लीजिए। तो बैटर को ज़्यादा पतला नहीं रखिए, बैटर को थोड़ा गाढ़ा ही रखिए। तो इस तरह से आप डाल लीजिए स्पून की मदद से, हाथों से मत करिएगा नहीं तो ये आपको उछल के पड़ सकते हैं। तो इसे आंच को मीडियम में रख के हमें फ्राई कर लेना है थोड़ा लाइट ब्राउन, ठीक है। तो देखिए ये काफ़ी फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे टिश्यू पेपर में निकाल के रख लेंगे दोस्तों एक साइड। दूसरा भी हमें इसी तरह से डिप कर लेना है, देखिए, और चारों तरफ से हमें कवर कर लेना है बटर में। देखिए हमने कवर कर लिया है और इसे स्पून की मदद से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आंच को मीडियम में रख के इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक आप फ्राई कर लीजिए। तो आप 1 से 2 एक साथ तल सकते हैं, आपकी आपको जैसी सुविधा हो। तो देखिए इसे भी हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। देखिए ये हो चुका है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी बता रही हूँ कि हाथों से करने से आपको कितनी परेशानी हो सकती है। देखिए मैंने तो ट्राई किया, बहुत ही जोड़ के पड़ी है, तो आप इसे ट्राई बिल्कुल भी मत करिए, तो स्पून से ही करिए। तो देखिए हमने सारे पकौड़े को तल के रख लिया है और उसके बाद हम इसे इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं बीच से कट करके। तो ये रही हमारी स्टफ्ड ब्रेड जो रेडी हो चुकी है खाने के लिए। तो फटाफट से इसे गर्मा गर्म इसी तरह से सर्व कीजिए, नहीं तो आप जो डायगोनली कट की हैं बस उस तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। तो देखिए रेडी हो चुका है। तो आप इसे ग्रीन चटनी के साथ या फिर
टोमेटो सॉस या दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं बहुत ही आराम से, और बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। और ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसे हमने घर पे तैयार किया है, बहुत ही आसान भी है बनाना जैसा कि आप सभी ने देखा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।